वेलकम टू एसएस क्लासेस रानीपत्रा। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने वॉइस पार्ट 8 के अंतर्गत WH क्वेश्चन को पढ़ा था। उसमें हमने व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन आदि WH क्वेश्चन से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उस पर हमने गौर किया था। आज हम लोग WH को ही पढ़ेंगे। आज हम लोग WH में हु, व्हिच और whom के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हु से कोई वाक्य शुरू हो या व्हिच से शुरू हो या whom से शुरू हो तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग हु, which और whom से बनने वाले सेंटेंस को देखेंगे। who wrote this book, इस किताब को किसने लिखा, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग दो तरह से बनाते हैं। इसके बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बाय होम के द्वारा, बाय होम वाज दिस बुक रिटन। सबसे पहले हम हु के बदले बाय हुम लगाएंगे, इसके बाद टेंस के मुताबिक हम सहायक क्रिया लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात यहां है दिस बुक, दिस बुक को लगाएंगे और इसके बाद वी थ्री लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं पैसिव वॉइस में वी थ्री का ही हम प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा तरीका है हम हु से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हु वाज दिस बुक रिटन बाय। अब दोनों में अंतर क्या है? जब हम बाय होम से बनाएंगे तब यहां भी थ्री के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर वाक्य को समाप्त करेंगे और जब हम हु से बनाएंगे तो यह बाय जो है यह अंत में आ जाएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, हु किल्ड द रावणा, रावण को किसने मारा, इसको भी हम इसी पद्धति से बनाते हैं। सबसे पहले बाय होम से, बाय होम वाज रावणा किल्ड। दूसरा तरीका है हु वाज रावणा किल्ड बाय। अब हम लोग कुछ और वाक्यों को देखते हैं।
who rang the bell? घंटी किसने बजाया? इसका बनेगा by whom was the bell rung. दूसरा तरीका है who was the bell rung by. इस तरह अगर हम प्रैक्टिस करें तब यह काफी आसानी से बनेगा. अब हम लोग कुछ और सेंटेंस को लेते हैं. Who taught you? तुम्हें किसने पढ़ाया? By whom you were, by whom were you taught? दूसरा तरीका है Who were you taught by? अब who taught you इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. Which teacher taught you? यानी तुम्हें किसने पढ़ाया? Which teacher तुम्हें किस शिक्षक ने पढ़ाया? यानी who के बदले में हम which teacher डाल सकते हैं. तुम्हें किसने पढ़ाया? तुम्हें किस शिक्षक ने पढ़ाया? इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? इसका भी वही पद्धति है. By whom, by which teacher, where you taught, which teacher, where you taught by. अर्थात who के बदले में हम which teacher का प्रयोग करेंगे. एक सेंटेंस को और हम लोग देखते हैं. John. इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं. Which girl loves John? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? By whom is
जॉन लव्ड, बाय होम इज जॉन लव्ड। दूसरा तरीका, हु इज जॉन लव्ड बाय। अब हम लोग व्हिच वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हु के बदले में व्हिच गर्ल, बाय व्हिच गर्ल इज जॉन लव्ड। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हु व्हिच गर्ल इज जॉन लव्ड बाय। अब हम लोग कुछ और तरीकों पर हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग कुछ होम वाले वाक्यों को देखते हैं। होम डिड यू कॉल, यह कैसे बनेगा, हु Who was called by you? Whom have you helped? Who has been helped? By you. Whom will he teach? Who will be taught by him? Whom did you laugh at? Who was laughed at? By you. इस तरह हमने डब्ल्यू एच में हु और व्हिच और होम के बारे में पढ़ा। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि के बारे में पढ़ा था। आशा है आपने इसे ठीक से समझा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। थैंक यू।